जुहार साथियों, आज एक बहुत विशेष दिन है। आज सत्य की जीत हुई है और आप सबको बहुत बहुत बधाई। पार्टी के तरफ से माननीय उच्च न्यायालय झारखंड का जो आज एक आदेश आया है, जिसमें हमारे प्रिय नेता हेमंत बाबू को पिछले 148 दिनों तक कारावास में रहना पड़ा, उसके विवेचना करते हुए एक बहुत बड़ी राहत और सुकून आज हम लोगों को हुआ है, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको उनके अर्जी पर जमानत देने का फैसला किया और हम सबको अपने बीच अपना नेता प्राप्त हुआ। हम लोग शुरू से जिस बात को कहते आ रहे थे और हेमंत बाबू ने विधानसभा के पटल पर भी जो बातें कही थी कि अगर एक छटाक जमीन, जो कथित जमीन 8 एकड़ कुछ डिसिमल का है, वो यदि हमारे नाम पर होगा तो मैं ना केवल राजनीति से संन्यास लूंगा वरन इस राज से भी बाहर चल जाऊंगा। उनका यह कठोर प्रण जो था, क्योंकि उस बातों में ईमानदारी और सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई थी, आज उसी का स्वीकारोक्ति इस जमानत के आदेश पर भी हुआ। कहीं से भी ये बातें साबित नहीं हो पाई, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आज तक नहीं आ पाया पिछले 5 महीनों में, और उसके पहले जो 3-4-5-6 महीने लगाए प्रवर्तक निर्देशालय ने, कहीं बातें सामने नहीं आई, जिसके कारण आज हमें यह जमानत मिला। यह जमानत कोई आसान शब्द नहीं है, ये झारखंड के 4 करोड़ लोगों के विश्वास का जमानत है। आप एक चुनौती साजिश के तहत लोकसभा चुनाव के पूर्व आप चाहते थे कि एक जो प्रखर नेता है इंडिया गठबंधन का, उसके पैरों में बेड़ी लगा दिया जाए ताकि वे इस ना राज्य में घूम सके न देश में घूम सके, और करोड़ों आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर, नौजवान, महिलाओं के आवाज को बुलंद कर पाए। आपने उनके पैरों में बेरिया डाली, हाथों में हथकड़ी डाला ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। ये चुनावी प्रबंधन था भारतीय जनता पार्टी का, ये ईडी का इसमें कहीं कोई आरोप नहीं था, वो कठपुतली थी, वो इशारों पर काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी का, ताकि चुनाव में झारखंड में एनडीए को बढ़त मिले। आदिवासी अस्मिता पर हमला हुआ तो आदिवासियों ने दिखा दिया कि एक भी सीट
झारखंड का भाजपा को नहीं मिला, एनडीए को नहीं मिला। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि हेमंत बाबू यदि बाहर रहते, पूरे देश में आदिवासी जगहों पर जाते, दलितों के पास जाते, अल्पसंख्यकों के पास जाते, नौजवानों के पास जाते, तो आज की राजनीतिक परिस्थिति भारत की दूसरी होती। आज हमारे गठबंधन के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, नेता प्रतिपक्ष नहीं होते, क्योंकि लगभग 30 सीटों का हमारे झारखंड में और 9 सीट और पूरे देश में कम से कम 30 सीट, ये 40 सीटों का इजाफा इंडिया गठबंधन को होगा। आपने, भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत अपने चुनाव को मैनेज किया, लेकिन अब जो हम लोग कहते हैं ना, साजिश का हो गया अंत, बाहर निकल गया अपना हेमंत, ये आज का नारा है। साजिश का हो गया है अंत, बाहर आ गया है हमारा नेता हेमंत। और जब भी आप विधानसभा का चुनाव करवा लीजिए, मैं तो चुनौती देता हूं, चुनाव आयोग कल चुनाव करवा ले, हम भारतीय जनता पार्टी को सिंगल डिजिट में रोक देंगे। और अपने कुवत पर झारखंडियों की सरकार बनाएंगे। 8 हेक्टेयर जमीन जो भूहेरी जमीन है, जो पहाड़ की जमीन है, जिस पर बिजली का जो मीटर लगा हुआ है वो पहाड़ का है, और कहते हैं कि वो हेमंत सोरेन का है, पीएमएलए है। आप खोलकर सुन लीजिए, आंख खोलकर देख लीजिए और कान खोलकर सुन लीजिए भाजपा के नेताओं, 79,710 स्क्वायर किलोमीटर जो इस राज्य का क्षेत्रफल है, वो पूरा का पूरा क्षेत्रफल हेमंत सोरेन का है। 1-2-4 एकड़ नहीं, 79,710 स्क्वायर किलोमीटर जो पूरे झारखंड का क्षेत्रफल है, उसका जमीन का मालिक हेमंत सोरेन। झारखंडियों का प्रतिनिधि हेमंत सोरेन। आपकी गीदड़ भभकी, आपकी सोच हम लोगों को डरा भी नहीं सकती और न डिगा सकती। हम लोग जानते हैं संघर्ष करना। अभी 30 जून आने वाला है, हूल दिवस है, और वो संथाल हूल, उसी संथाल के बेटा को आपने जेल में डालने का काम किया था। ये चीजें मत भूलिए कि इस राज की माटी सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो झानो शेख भिखारी टिके तुमराव राव और सबसे बड़े भगवान बिरसा मुंडा की जमीन है। यहां संघर्ष से आप किसको भगाते हैं, किसको डराते हैं? संघर्ष हमारा डीएनए है, हम संघर्ष नहीं छोड़ सकते, हम इस देश के आदिवासियों की आवाज को नहीं छोड़ सकते, दलितों के आवाज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते।
अल्पसंख्यक लोगों के ईमान की लड़ाई को हम कभी भी बेच नहीं सकते, न महिलाओं के सम्मान के साथ कोई समझौता कर सकते, न युवाओं के जो आशा है आकांक्षा है उसके साथ खिलवाड़ कर सकते। यह हमारा प्रण है। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं माननीय न्यायालय के प्रति, संपूर्ण सम्मान के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं झारखंड के प्रतिजनों का, जिन्होंने इस संघर्ष में हमारा साथ दिया। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने सहयोगी दलों का, जिन्होंने हमारे इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का, जो एक दिन भी बिना विचलित हुए इस संघर्ष पथ को आगे बढ़ाया। और हम तमाम लोग आभार व्यक्त करते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिन्होंने हर वक्त समान रूप से हमारी बातों को सुना, हमारी पीड़ा को सुना और उसको जन जन तक पहुंचाया।